दिल्ली की नरेला विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे प्रवीण कुमार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। आज 24 जनवरी 2020 को अभी दोपहर के वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद संजय सिंह ने प्रवीण कुमार को विधिवत रूप से टोपी पहनाकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई है प्रदेश कार्यालय में। प्रवीण कुमार का काफ़ी अच्छा रुतबा है और ये कांग्रेस के एक जाने माने नेता थे नरेला विधानसभा से, और पिछले विधानसभा चुनाव में 2015 में इन्होंने कांग्रेस की सीट पर नरेला विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इस बार प्रवीण कुमार को टिकट ना देकर सिद्धार्थ कुंडू को टिकट दे गई है, तभी से ये नाराज चल रहे थे और आज इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी को इससे काफ़ी फायदा नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रवीण कुमार का जे क्लस्टर मेट्रो विहार बहुत बड़ा क्लस्टर है, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा होल्ड है और वहाँ पर बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी के शरद चौहान को नरेला विधानसभा में हो सकता है। हमारे सभी प्रेस के सहयोगी, मैंने 2015 कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद 5 साल मैंने बहुत मेहनत की। मेहनत करने के बाद जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने देखा वो अच्छा नहीं था। केजरीवाल जी की नीतियां देखी, केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में विकास किया वो देखा, और हमारे जो आदरणीय शरद चौहान जी हैं ये क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं, और मैं आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं संजय सिंह साहब को, आदरणीय केजरीवाल साहब को, पूर्ण विश्वास के साथ काम करेंगे, और जो 2015 में शरद चौहान जी की जीत हुई थी उससे ज्यादा मार्जिन से जीत शरद चौहान जी को जिताकर आपके पास गए। भारत माता की जय।